तो गाइस यहाँ देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं, सृष्टि का पेपर है, तो इनकी भाभी जी यहाँ पे चीनी और दही खिला रही ताकि है। तो गाइस यहाँ देखिए निंदा नहीं, बस इतना ही हुआ है। अच्छा अभी यहाँ देखिए मैं बना के रखा है और यहाँ अभी बन्ना जी का फोन आया था, उनको फिर भेजना। तो गाइस यहाँ पे देखिए बन्ना जी के पैक कर रही है, एक जी पैसा डाल दीजिए। हाँ डाल दिए पैसा, ठीक है गाइस जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे देखिए अभिका की दीदी ने चॉकलेट लाया है, बुआ है, हाँ सॉरी बुआ जी चॉकलेट लाई है। तो हमारी बुआ की लड़की है ये सीलू, हेलो, राजस्थान रहती हो ना? हाँ। तो राजस्थान से आई, कल का एग्जाम है। अब बाबू के लिए देखो इतना प्यारा सा गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी बेटा सृष्टि? अरे कोई बात नहीं ना, ये छोटी है ना। लो अच्छा ले लो, चलो हाथ मुंह धो लो आप, ठीक है, पानी नहीं लगा दो, क्या कर रही हो उधर? यहाँ देखिए शाम कर दिया, वो भगवान जी को जला दिया है। क्या सीन है तुम्हारा? मेरा कुछ वीडियो एडिट कर रहा है, वीडियो अपलोड लग रहा है, हाथ धो ले यार, मुंह महक रहा है ना मेरे हाथ से। वो रिलीज पे लगाए ना इसीलिए, रिलाइव रिले स्प्रे, वोलिनी स्प्रे, रिलीज नहीं है, वोलिनी है। हाँ वोलिनी है, अभी उस दिन गए थे तो लेकर आए, कुछ व्रत नहीं है ना। अरे यार इतनी रात को क्या बना रही हो? फोन भी आ गया तुम्हारा, कहाँ बज रहे? बज रहा है, बज रहा है। रिंकी, रिंकी भी फोन कर रही है, क्या बना रही हो? यहाँ देखिए बंदा दिन कॉल किया है, बना रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, ब्लॉग देख लीजिएगा। तो गाइस इतनी रात को हम बना रहे हैं साबूदाने की टिकिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्च को कट कर लिया है, और यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, अभी उसको हम पीसेंगे, उसी में चला देंगे। क्या बना रहे हैं? साबूदाने की टिकिया, साबूदाने की टिकिया, हाँ व्रत वाला। हमको आता है, जानती है, हमको आता नहीं था, हम YouTube पे देखे हैं, क्योंकि ना बहुत पहले का बनाए हैं। अच्छा, अरे वो सृष्टि भी, सृष्टि आई, वो भी व्रत है ना, वो भी व्रत है ना, तो हमका बना दे, दोनों लोग खा लेंगे। बुआ की लड़की मैच देख रही है, अभी मैच देख रही है, लाइट बंद है उधर, बाबू सो ले। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैच कर रही है, कद्दूकस ना, कद्दूकस भी बोलते हैं, गरम है यार, भी गरम है, हाथ भी बहुत तेज, ठीक है ठीक है ठीक है, जरूर भेज देंगे। आप बनाई थी, क्या क्या डाली थी हमको बता दीजिए, जानती हैं हम देखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं डाला था। तो क्या 9 दिन की व्रत है क्या? देखो ये सृष्टि, नमस्ते दीदी, कैसे हो? मैं पूछ रहा हूँ कड़ी कोई दुबली हो गई कैसे? हॉस्टल का खाने का असर है, क्या बात कर रहे नहीं। तो गाइस पता है ना, थोड़ा हमने ना यूट्यूब पे देखा है, उसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं डाला है, तो हमने कहा पूछ लेते हैं। बाप रे आलू एकदम गर्म है, देख सकते हैं। तो मत करो ना एक बार, नहीं ठीक है, गर्म रहेगा ना तभी हो, बन भी जाएगा टिक्की। अच्छा, हम पता है गाइस और पहले बना लेते, लेकिन इसको 2 घंटे भिगोना था, 2 घंटे तो दो हो गया होगा ना, नहीं 1.5 घंटे, तो हमने कहा 2 घंटे तो नहीं, 1.5 घंटे भिगो देते, क्योंकि काफी टाइम हो रहे, 10 बज रहे हैं रात के, हमने कहा चलो बना लेते हैं, क्या करें। मुझे मालूम नहीं था इसको पहले से भिगोना पड़ता है, नहीं तो हम 8 बजे ही भिगो देते, 9 बजे तक बना लेते हैं, 9:30 बजे तक। चलो गाइस ये हो जाता है, फिर हम लोग को दिखा दीजिए क्या होता है। वो थोड़ा इसमें नमक देना, तो वो वाली छेना नमक, हाँ ऊपर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साबुदाना भी जिन्होंने भिगोया था उसे मिला रहे हैं ये, वो डालो क्या, तो खूना कहाँ है अभी? पढ़ाई की वजह से ना सेहत पे इंसान ध्यान नहीं रख पाता, एक तो हॉस्टल। चलो मिलाते हैं, तो मैं खून रहा हूँ, पूरा डाल दे, क्या सोच रहे हैं और क्या क्या करोगे बचा के?
आलू कम है ना, देखो। अरे डालो, गिर ही नहीं रहे, टन टन गिरा रहे हो, गिर ही नहीं रहे हैं। तीन साल बाद होगा। थोड़ा सा उस छोड़ाओ तो इसमें है अभी। देखिए देखिए यहाँ मिला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत जल्दी फटाक से बनाई है। यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है तलने के लिए भी। इन्होंने पूजा के लिए अलग से कढ़ाई, सब बर्तन सब अलग रखा है, सब भी ये देखो नया, ये भी नया, सब एकदम नया नया बना, ये जिसमें बना रहे हैं ये भी नया है, कढ़ाई भी नया, पौना भी नया, सब कुछ नया। जानते हैं ना, क्योंकि कितना बढ़िया बन रहा है, क्या बढ़िया बन रहा है, अभी बना नहीं, तब से बढ़िया बन। लीजिए भाभी से बात करी। अब क्या करें, जानती हैं, पढ़ना लिखना चौका बेलना करना नहीं होता है ना, जानती हैं, सेल्फ डिपेंड होना भी, और कभी अपने बच्चों को मतलब अच्छे संस्कार के लिए भी पढ़ना जरूरी है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि जॉब करें। सहमत हो ना। अरे मैं नहीं बन रही हूँ, बच्चों को संस्कार देने के लिए भी पढ़ना चाहिए। अरे नहीं चलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी चलाएंगे ना तो चलिएगा। तो गाइस यहाँ देखिए, इंदा ने बस इतना ही हुआ है। अच्छा अभी यहाँ देखिए, मैं बना के रखा है, और यहाँ इतना अभी बंदा जी का फोन आया था, उनको फिर भेजना है, अभी खा लेंगे, बोलिए भेज देना हम पे। चलो ठीक है, जीजा जी आएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो चलते हैं। मैं चटनी भेज दूँ, मैं पानी ले जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, पन्ना जी ने पैक कर रही है, एक सोच रहे कितना भेज दिए अपने ननद जी के लिए, लेकिन टिफिन छोटा है, जगह ही नहीं कम है। कोई बात नहीं, जगह कम है, स्पेस बना के एक और डाल दिया ना। चटनी दे दो, चला लेने तो अभी जल जाएगा। चलो चटनी भी देखो, उनका तो और लीला परंपार रहता है, चटनी पीसा नहीं है सही, पता है क्यों? चटनी इतना जग इतना। अच्छा, और वे खराब हो गया, इसमें से चटनी निकल के फेंका गया दीवार पे। चलो लोग आ गए होंगे दोनों प्रोडक्शन। हाँ जीजा जी देखिए आगे खड़े हो गए हैं, और अभी तक मटेरियल चटनी तैयार ही नहीं हुआ है। ला रहा हूँ अरे नीचे। पैसा डाल लीजिए ठीक है। गाइस जस्ट चोकिंग। तो हम देखिए, सृष्टि के लिए नाश्ता लग गया है, मैडम जी ने अपने लिए लिया। चलो ये व्रत है, मैं भी नाश्ता वगैरह कर ले भाई। मेरा मत दिखा बाबू। क्यों ना दिखाएं, तुम तो ज्यादा खा रही हो व्रत में। क्योंकि हम कटोरी में चटनी नहीं लिए, ऐसे ही ले लिए। कोई बात नहीं, बर्तन धो के सुबह से थक गए। देसी आदमी तो इसी तरह रहा करो। हां ऐसे ही खा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो गाइस, मिलते हैं सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस यहां देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, उस सृष्टि का पेपर है, तो इनकी भाभी जी यहाँ पे चीनी और दही खिला रही, ताकि इनका काम सब अच्छे से हो जाए। बेस्ट ऑफ लक सृष्टि। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो इन्होंने अपना रस्म निभा दिया है भैया, बोलते हैं कहीं जाने से पहले दही चीनी या घी चीनी जो भी है, हम तो आपको भी खिलाते हैं। गाड़ी आ गया। चलो वन मोर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह माता रानी की पूजा हो गया है, मैं मंदिर से भी आ गया हूँ, और कमर में पूजा कर रही है, आरती लगा के अपना दिन जावत, मैया गुण से दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तो बहुत ही मन को शांति और बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे हमने लाइफ में रूटीन चेंज कर दिया है। पहले क्या था, एक समय नहीं था पूजा करने का, मतलब शेड्यूल कभी 12 बजे कभी 11 बजे कभी 1 बज जाते थे, लेकिन अब सुबह सुबह उठ जाते हैं,
और भगवान की भक्ति में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। कहते हैं ना कुछ इंसान को आंखें देर खुलती है, उसकी पहले खुल जाती है, उसकी ठोकर लगने के बाद खुलती है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो समझ लीजिए मेरी भी यही आंखें खुल गई हैं कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। मैं पहले भी करता था लेकिन टाइम नहीं था करने का ना, फिक्स नहीं था कि हाँ 9 बजे करना है 8 बजे करना है। तो जैसे जैसे अपने आप को मजबूत बनाते गए वैसे वैसे भगवान की भक्ति में लीन होते गए। और हमने अकेले नहीं, हम दोनों साथ हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ पे कमल पूजा कर रही हैं। अब बाबू हमारी भी सोई है क्योंकि वो काफ़ी लेट नाइट 3 बजे सोई थी, तो अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। इधर जीजा जी आ गए, क्या हुआ? आए हैं आपके यहाँ गंगा दर्शन करने। अरे हम अचानक से आ गए, हमको जी कौन आ रहा है पीला का टी-शर्ट पहन के, हमें बिना का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हाँ तो पूजा कर रहे थे ना, तो हम तो चले गए, जीजा आए हैं, वहाँ पानी नहीं आ रहा तो जा रहे नहाने। तो गाइस यहाँ पे घड़ी में बज गए हैं 11:15 और यहाँ देखिए बाबू भी हमारी सो के उठ गई है, गुड मॉर्निंग। और जैसा वो पता है आप लोगों को, दीदी जी आए थे तो नहा के चले गए हैं, उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, उनका मोटर नहीं चल रहा है और इसीलिए आए थे वो। और हमारी मैडम जी देखिए यहाँ पे, क्या हो गया आपको देवी जी? नींद आ रहा है सुबह, क्योंकि 3 बजे सोई थी बाबू और हम 6 बजे ही उठ गए हैं, 6:30। तो चलिए गाइस ये वाला वीडियो ही में समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अच्छे नए नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा। और हम पता है बस हम सिर्फ 3 घंटा सोए हैं, बस 3 घंटा, कोई बात नहीं, दोपहर का टाइम है सो जाओ 4 घंटे 5 घंटे, ये दोपहर नहीं है सुबह है। हाँ मतलब होएगा तो सो जाना। जय करो भैया जय। बिस्किट पहले गंगा बोलते, बिस्कुट दे दो गंगुए खाना। हाँ तो गंगुए तो है, तो हमारी मुझे गर्व है कि मैं गाँव का हूँ यार, सब कुछ पता है। तो चलिए गाइस ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, बोल के जाइएगा आप लोग बम भोले बम भोले 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 बम भोले, ये देख कला।